चलो भाई, तो किसी का भाई किसी की जान की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट्स किधर है? आर्यन भाई क्यों नहीं अपडेट दे रहे हो एडवांस बुकिंग को लेकर? देखो गाइज, आपको पता ही है बहुत सारे जगहों से आपको एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट्स मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ अगर नया कुछ आता है कंटेंट तो उस पर बात करूंगा, बट एडवांस बुकिंग पे बात करना अब ज़रूरी है। देखो अभी तक जो है ना रिपोर्ट्स, अभी की मैं बता रहा हूँ, यानी कि अभी बज रहा है 3 और मैं ये रिपोर्ट जो है लगभग समझो कि 1-2 बजे तक की ही है, और मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है या फिर कुछ एकदम ही ख़तरनाक चीज़ हो गई है, ऐसा नहीं बोलूँगा। काफ़ी डिसेंट एडवांस बुकिंग हुई है और इस फैक्ट को कंसिडर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि पहला दिन जो होने वाला है वो प्री ईद होने वाला है, यानी कि ईद के एक दिन पहले। कलेक्शंस हमने देखी है पहले से भी कि बहुत ज़्यादा आती नहीं है और पोस्ट पेंडेमिक फिल्मों की ज़्यादा कमाई होने रही है, तो पहला दिन तो नॉन हॉलीडे ही होने वाला है, तो उसकी जो एडवांस बुकिंग रिपोर्ट है वो ऐसी है कि फिल्म ने ऑल ओवर इंडिया 55,000 टिकट्स जो हैं वो सोल्ड कर दिए हैं अभी तक, और इसकी जो कलेक्शन है वो हुई है 1.5 करोड़ की। इसका ये पूरा का पूरा ग्रॉस है 1.5 करोड़ का, यानी कि 1.50 करोड़ का ग्रॉस है ये, जो कि डिसेंट है। नेशनल चेन्स की अगर बात करूँ यानी कि PVR, आइनॉक्स और सिनेपोलिस की, तो वहाँ पे इसने 25,000 टिकट सोल्ड कर दिए हैं ऑलरेडी, जो कि भोला से और तू झूठी में मक्कार से के आसपास ही है। और देखो अब जाहिर सी बात है कि 1.5 करोड़ का ही ग्रॉस हुआ है। अगर इस फिल्म को 20 करोड़ की ओपनिंग लेनी है या फिर उसको क्रॉस करना है तो कहीं ना कहीं 5 करोड़ के आसपास की एडवांस बुकिंग तो करनी ही पड़ेगी किसी भी हाल में गाइस, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा भरोसा है कि आज रात तक ना 2.5 करोड़ से ज़्यादा की एडवांस बुकिंग हो जानी चाहिए। अगर 2.5 करोड़ ये फिल्म रात तक क्रॉस कर लेती है तो कल बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि इससे पहले देखा गया है कि सलमान खान की फिल्मों की जो एडवांस बुकिंग होती है वो एक दिन पहले बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि जो वॉकिंग ऑडियंस है, ठीक है, जो वॉकिंग ऑडियंस है वो टिकट्स ज़्यादा खरीदती है ज़्यादातर करके। और देखो किसी भी हाल में अगर इस फिल्म ने 4.5-5 करोड़ के आसपास की एडवांस बुकिंग कर ली तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि 18 करोड़ से 20 करोड़ के आसपास की कलेक्शन हो जाएगी, जो कि डिसेंट है। सलमान भाई की अगर बाकी की फिल्मों से कंपेयर करें तो एवरेज ही बोलूँगा, बिलो एवरेज भी बोल सकते हैं, बट अच्छी चीज़ ये है कि कल होके 22 तारीख को ईद होने वाली है और उसके कल होके संडे होने वाला है, और अगर ये फिल्म पहले दिन अगर ऑडियंस को पसंद आ जाती है तो फिर कहीं नहीं गया है, बाकी दोनों दिन 30 करोड़ क्रॉस करना ही है इस फिल्म को किसी भी हाल में। तो ये जो एक सपना था हमारा कि वीकेंड पे 100 करोड़ प्लस करेगी, देखो पोस्ट पैंडमिक ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ये कोई बहुत बड़ी इवेंट फिल्म नहीं है, आप इसको किसी दूसरे फिल्म जैसे पठान से कंपेयर नहीं कर सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स थे तो उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, बट बाकी की जितनी भी फिल्में हैं उससे बहुत ही ज़्यादा बेहतर इसकी ओपनिंग होनी है अभी भी अगर ले लूँ तो। और ये बिल्कुल सलमान भाई के स्टारडम पे है, क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस फिल्म में कोई भी ऐसा बड़ा नाम नहीं है, सारी की सारी चीज़ें सलमान भाई के कंधे पे, और यहां जो रॉ स्टारडम है वो दिखने वाला है इस फिल्म की ओपनिंग पे भी। और अगर ओपनिंग अच्छी लगती है 18 से 20 करोड़ की तो फिर तो अगला 2 दिन 30 प्लस ही आना है गाइज। अब नाउ लेट्स होप कि जो आज रात तक जो है ये रिपोर्ट्स जो हैं वो बेहतर हो, अच्छा खासा जंप आए। अभी भी लोग बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे हैं ईद के डेट को पढ़ने को, इसीलिए अभी एडवांस बुकिंग उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, और अभी भी हैदराबाद मुंबई में बहुत ही ज़्यादा शोज़ अभी ऐड ऑन होने बाकी हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अभी शोज़ बाकी हैं ऐड होने, तो शोज़ बढ़ेंगे एडवांस बुकिंग भी बढ़ेगी। एंड नाउ लेट्स होप कि किसी भी तरीके से ये फिल्म 2.5 करोड़ से ऊपर की एडवांस बुकिंग कर ले, तो कल का दिन बहुत ही क्रूशियल होगा इसके लिए, कल टच कर सकती है ये फिल्म किसी भी हाल में 4 करोड़ के आसपास, 4-4.5 करोड़, तो फिर यार 18 से 20 करोड़ कहीं नहीं गया है। नाउ देखते हैं कि क्या होता है, आप बताओ कमेंट करके कि आज रात तक की कलेक्शन कितनी होगी एडवांस बुकिंग की, अभी 1.5 करोड़ है, देखते हैं जैसे ही अगली रिपोर्ट आएगी उस पर फटाक से वीडियो बनाऊंगा, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।